फोटो ले लेंगे। हाँ चलिए। देखिए भैया आज हमारे साथ बहुत सारे कलाकार मौजूद हैं। लेफ्ट से राइट चलते हैं। ये आशु भैया कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया है, बहुत स्मार्ट लग रहा है। धन्यवाद। ये देखिए मूछ सर, आपको मैं कहीं देखा हूँ। अभी आपको बाहर मिला था। जरा आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी हमारा नाम गोविंदा जी है और प्यार से गोविंदा ही बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नॉर्मल इंसान जैसे होते हैं, जैसे हमारे योगेश जी, इनका नाम योगेश जी, ऐसे हमारा नाम गोविंदा जी है। और बाकी कुछ खास बात तो नहीं है हमारे लिए कि हम आपको बताएं। लेकिन एक बात, आप सब बस ये लोग ने, इनकी चाहतों ने बुला लिया, सब बच्चों की चाहतों ने बुला लिया, तो हम चले आए यहाँ पे। और योगेश जी ने बोला आप जल्दी आइए, तो मैं और जल्दी चला। बहुत जल्दी आए, बस इनकी मोहब्बत में यहाँ पहुँचे हुए हैं और सबके साथ काम करना चाह रहे हैं। और इस फिल्म को बना रहे विद्यापीठ फिल्म का नाम है। मतलब इस फिल्म का कोई एक्टर है? छोटा मोटा नहीं, एक्टर नहीं, प्रोड्यूसर है। नहीं, एक्टिंग तो अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कि हमारे जो एक्टर हैं कल्लू जी, इतने हैंडसम हैं, तो इनके आगे हम कहाँ चलने वाले हैं। और हमारा काम हम करें तो ठीक है, सर का काम सर करे तो वो ठीक है। बस ये तो चश्मा जो लगाए हुए योगेश मिश्रा जी लग रहे हैं। हाँ जी, मैं योगेश मिश्रा हूँ। कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कुछ बताएंगे आज हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आज कल्लू जी को नरेशन दिया है हमने और स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी है। फाइनल जो ड्राफ्ट होता है ये कल्लू जी का है। और ये सब हमारे एक्टर हैं, हमारा ये प्री प्रोडक्शन का ऑफिस है। ये जो पोस्टर में दिख रहा है, कल्लू जी चश्मा भी लगाए हैं और राइट में कोई गन है, क्या है वो? जी जी जी, बंदूक है। तो विद्या के सामने बंदूक से बस यही तो कॉन्सेप्ट है कि विद्या के आगे बंदूक की कीमत नहीं होती है, विद्या होती है। खैर ये सब बातें करते रहेंगे, लेकिन आज का जो फंक्शन है, यानी जिसके लिए आपको इनवाइट किया गया है, वो है कि अब हम लोग शूट प्रोसेस पे जा रहे हैं और प्री प्रोडक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नरेशन हमने हीरो को दे दिया है और बाकी नरेशन के बारे में तो भैया ही बताएंगे। और हम लोग फिल्म शूट करने जा रहे हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। फिल्म का नाम है विद्यापीठ और इस फिल्म को थोड़ा सा हम लोग एक वेब सीरीज मॉडल पे बनाने जा रहे हैं। मतलब जो पैटर्न है वो मिर्जापुर और उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मतलब एक कॉमन भोजपुरी फिल्म नहीं है कि पारिवारिक पिक्चर है और वैसा कुछ है जो नॉर्मल चलती है। थोड़ा सा लीक से अलग हट के हमारे गोविंदा जी ने परमिशन दी कि हाँ ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और हमारे हीरो ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं भैया हम लोग कुछ अलग करते हैं। तो ये जो विद्यापीठ है ये एक नए पैटर्न पे फिल्म बनाने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं और परमिशन भी मिल चुकी है, एक्सेप्टेंस भी मिल चुका है दोनों तरफ से और हमारी पूरी टीम मेहनत भी कर चुकी है। तो ये एक विद्यापीठ ऐसी फिल्म लाने की कोशिश करेंगे जहाँ से भोजपुरी में वेब सीरीज का जो कंटेंट होता है, यानी कि जो मॉडल होता है, उस मॉडल पे भी फिल्में लोग बनाएं। तो ये हमारी आशा रहेगी। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि अरविंद निकला कल्लू जी पहुंच चुके हैं। कैसे सर? बहुत अच्छा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं। आज ग्रीटिंग कार्ड कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और ये जो मैं ऑफिस में आया हूँ योगेश सर के ऑफिस में, ऐसा नहीं है कि इनसे फिल्मिया संबंध है, ये डायरेक्टर है। मैं अभी फ़िलहाल में अभी ये डायरेक्टर है और मैं एक्टर हूँ। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होगा आप लोग कट करेंगे, हमारे बड़े भाई के रूप में हमारे सर आज उपस्थित हैं, गोविंदा सर, जिनके सहयोग से हमारी फिल्म विद्यापीठ कम्प्लीट की जाएगी। और आज आप सभी को बताना चाहेंगे, जितने दर्शक देख रहे हैं, हम एक्टर हैं, केवल एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, खास करके बहुत कम ही फिल्मों में देखा गया है। और मैं तो अपने जीवन में सिंगिंग से लेके अभी फिल्मी दौर में पहली बार इतना तैयारी देख रहा हूँ। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप दिखाएँ कि कितना तैयारी होती है। लोग बोलते हैं कि फिल्म बनाना कितना आसान होता है, आसान नहीं होता है। प्लीज़ आप लोग एक बार देखिए और ऐसे ऐसे मेहनत होती रही तो मुझे उम्मीद है कि लोग जैसे कंपेयर करते हैं कि साउथ ऐसा बनाता है, बॉलीवुड ऐसा बनाता है, कहीं ना कहीं भोजपुरी में ज़रूरत है, खास करके अभी। और थैंक्स बोलना चाहेंगे गोविंदा सर को। और मेरा बहुत दिन से इच्छा था कि मैं भी, क्योंकि हम लोग वेब सीरीज़ देखते थे कभी, तो हम सर से डिस्कस भी किए थे कि सर ऐसा टाइप का हम लोग फिल्म बनाए या वेब सीरीज़ बनाए। तो हाल फिलहाल में ही इन्होंने मंजूरी दी है तो हम लोग के लिए खुशी की बात है, डबल खुशी की बात है। और बहुत जल्द हम लोग शूट के लिए निकल भी रहे हैं,
तो मुझे खास कर बहुत अच्छा लगा। विद्या कोई पिक्चर का नाम है, तो पढ़ाने वाला है या बंदूक से डराने वाला है? वो जैसे कि सर ने बताया कि एक विद्या ये कैसी चीज है, आप जितना पढ़िए वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। मतलब विद्या बड़ा सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, आपसे कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, मोबाइल आप कितना भी महंगा लिए हैं आपको लोग छीन सकते हैं, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है कि आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और रही बात विद्या बंदूक जो आपने अभी बताया, तो वो हम अभी नहीं बताएंगे। हम चाहते हैं कि हर लोग कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, कुछ ना कुछ अलग बनाते हैं, लेकिन इस बार मैं 110% बोल सकता हूँ कि नहीं, हम लोग अलग फिल्म ला रहे हैं। ये है आयुषी दत्त तिवारी और हमारी इस फिल्म में इनको हम लॉन्च कर रहे हैं एज अ हीरोइन। और ये कमर है एज अ हीरोइन पहली फिल्म में। नमस्ते आप सभी को, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए अपने बारे में, कहाँ के रहने वाली हैं? मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैंने 17 साल से मैं सर के साथ सीख रही हूँ। और आई थिंक अब सही एज है कि अब मतलब काम करने का, तो मैंने बहुत साल सीखा है सर के पास में, और अब सर मुझे मतलब लॉन्च कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब खुशी की बात है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए, क्योंकि एक तो पूरी फैमिली है हमारी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डर लग रहा है? नहीं, मेरी आंखों में आंसू नहीं है। खुशी के आंसू होंगे क्या? बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे थे कि कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे, और फाइनली हरी झंडी मिल गई है। गोविंदा सर ने हरी झंडी दे दी। ये तो आपको पिक्चर में पता चलेगी, सब तो आपको अभी बता दूं, तो फायदा क्या पिक्चर देखने के बाद पता चले? कुछ तो ट्विस्ट रहना चाहिए ना। और मुझे लगता है रहना भी चाहिए, और जिस तरीके से आप पूरा देख रहे हैं ना, ये हम लोगों ने सीखा है, तभी हम लोग इतने मतलब डेडिकेशन के साथ काम कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अगर ये सब चीजें सीखेंगे नहीं, तो हम लोग आई थिंक किसी और फील्ड में जाएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हमें मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। तो मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ सर को, मेरे लिए बहुत ज्यादा काम है। और गोविंदा जी ने जो मुझे इस पिक्चर के लिए लिया है, तो उसके लिए मतलब मैं उनका सीरियसली अप्रिशिएट करना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच सर, एंड होपफुली मैं इसमें बहुत अच्छा काम करूँ। कल्लू जी को थैंक यू बोला ही नहीं। नहीं, 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 अपनों को थैंक यू और सॉरी नहीं बोलते। नर्वस हो गई है, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, नर्वस नहीं हुई हूँ, मतलब कल्लू जी के साथ मुझे पता है पहली फिल्म है, नर्वस होना दिल लगता है। गाना भी पहली बार मेरे साथ ही। हां, पहला गाना देखो कितनी मतलब गाना आया था, मैं देखा था आप दोनों को शायद। हां, बचपन का प्यार मेरा बचपन तक चलेगा। हां, बचपन तक चलेगा। हां, तो बचपन तक सही में हम लोग लगा चलने वाला है। एल्बम का प्यार मेरा फिल्म तक चलेगा। और इंडियन फिल्म एकेडमी के कुछ सुपर सीनियर स्टूडेंट है जो इस फिल्म में बहुत मुख्य भूमिकाओं में से एक हैं, वो हैं रवि। आइए आ जाइए इधर एक एक करके। ये रवि हैं हमारे सुपर सीनियर स्टूडेंट हैं, ये बहुत अहम भूमिका में हैं। और ये हैं अविनाश बांदे। ये अविनाश बांदे हैं और ये भी अहम भूमिका में हैं। और ये वही से अब तो पैन पैन करते रहिए। ये सारे हमारे बच्चे हैं, ये हमारे जो है इनके बड़े भाई का रोल कर रहे हैं, सत्यकाम कैरेक्टर है उनका रोल कर रहे हैं। और ये भी हैं, ये शुभम तिवारी हैं, वो शुभम है, इनका फिल्म में भी नाम शुभम है। वो अमित हैं, वो गुंडे के भाई बने हुए हैं, बाल बाल का कैरेक्टर आप देख सकते हैं। मनीष हैं, और इस समय जो कैमरा लिए हुए हैं ये भी विलेन के फ्रेंड हैं, इनका नाम है टांसे, और ये कैमरा लिए हुए हैं। और ये हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं मिस्टर ऋषि। और बस बढ़िया बस बढ़िया, कुछ लीक करिएगा? हां, लीक करना चाहते हैं? लीक नहीं करना, सारा खजाना का जो चाबी अभी पास है। ऐसे कुछ बताइए विद्यापीठ क्या? अब जो बताया उतना ही है। यहाँ पे संजय भैया, यहाँ पे आप कितना भी निकालने की कोशिश करिए, वो पहले ही हम लोग को बताया गया कि कोई भी, वो तो कैरेक्टर का नाम भी बता दिए, लेकिन इतना हम लोग को भी अलाउड नहीं है। डायरेक्टर क्या क्या निर्देश है शूटिंग के? शूटिंग में पहला तो निर्देश हमारा ये रहेगा कि जैसे कॉमन होता है कोई फिल्म होती है उसके सब लोग मिलके वीडियो वायरल कर देते हैं, लीक कर देते हैं मोबाइल से, तो उससे इफेक्ट पड़ता है फिल्म पे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी फिल्म में भी कि हमारी फिल्म का कोई भी लुक, किरदार या कोई सीन बाहर लीक ना हो, हम लोग कोशिश पूरी करेंगे। दूसरा, ये एक्टिंग बेस्ड फिल्म है, तो मुझे लगता है इस फिल्म में एक्टिंग की बहुत ज़रूरत होगी,
तो एक्टिंग इस फिल्म में देखने को सबको मिलेगी और कोशिश में है हम लोग कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले इस फिल्म को, तो उसकी भी तैयारी चल रही है कि भोजपुरी फिल्म को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं। गोविंदा जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि इस फिल्म को अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया जाए, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो धीमे धीमे करके आप सब लोगों के सामने न्यूज़ आती रहेगी। और ये राजश्री हैं, ये हिंदी बेल के एक्चुअली सब हमारे असिस्टेंट लोग हैं, तो ये कॉस्ट्यूम देख रही हैं, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट देख रही हैं हमारे यहाँ का। और योगेश जी, इस फिल्म की शूटिंग कैसे कर रहे हैं आप? फिल्म की शूटिंग हो रही है 10 तारीख से और हम लोग बलरामपुर में शूट कर रहे हैं। 10 नवंबर से कहाँ करने वाले हैं? 10 नवंबर 2022 से हम लोग शूट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20 अंक गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बलरामपुर में शूट कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, और 10 तारीख से शूट हो रहा है। 20 से 25 दिन का शेड्यूल है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। सरकार के बाद दूसरी फिल्म है जिसकी आप शूटिंग करने जा रहे हैं जी, क्या वजह रही कि काफी लंबा है? वजह ये रही कि हिंदी बेल का था तो फिल्म बनाई दबंग सरकार, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं सीख नहीं पाया था। तो अपनी इस भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं अपने आप को ही, मैंने एक कोटेशन मिला था, मैं अपना खुद का शिष्य हूँ, तो मैं अब सीख रहा था 3 साल कि इस इंडस्ट्री ने क्या क्या सिखाया। बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यवहार यहाँ का क्या है, कल्चर यहाँ का क्या है, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सीख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप दिया। तो अब वो सारी चीज़ें सीख लिया हूँ, तो अब धीमे धीमे करके फिर से फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, प्रॉमिस ये रहेगा कि जो भी फिल्म बनाऊँगा भले 4 साल में एक बनाऊँ, लेकिन अच्छी बनाऊँगा। जब हमने विद्यापीठ के लिए हम लोग सर से मिले थे, फर्स्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी, तो कोई भी एक्टर जो काम कर रहा है इस इंडस्ट्री में, सबका एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। कहीं ना कहीं 3-4 सब्जेक्ट तो कम से कम होता है कि नहीं मैं ऐसा बनता हूँ। हम लोग फिल्म करते हैं हर रोज़, कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, हर महीने में कोई ना कोई फिल्म करते हैं, लेकिन कोई फिल्म होता है जो दिल के करीब होता है। नहीं यार, मुझे ऐसा करेक्टर मिलता तो मैं ऐसे करता। सर का जब कॉन्सेप्ट मैंने सुना तो मतलब फर्स्ट टाइम ही मैंने आज सुबह से बोला, कोई करे चाहे ना करे, भले धनराशि कुछ कम बेसी भी करना पड़े कर देना। और सर ने बहुत अच्छी बात बोली, 20 से 25 दिन क्या, फिल्म के पहले इतना मेहनत हमको लगता है कि कंटिन्यू, हमको लगता है कि इधर भी तो 2-3 महीने से कंटिन्यू आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे भी साल भर लग गया। हम लोग साल भर पहले कॉन्सेप्ट चुने थे, फिर लॉकडाउन की वजह से हम लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए। तो सर के साथ पहली बार हम काम कर रहे हैं, रोल कैमरा एक्शन तो अभी तक हमने फिल्म वाला नहीं सुना है, लेकिन जो इनका सोच है मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला कि अगर ऐसे ऐसे फिल्मों की ज़रूरत है अभी इंडस्ट्री को, अगर ऐसे ऐसे साल भर में मैंने 2 फिल्म कर लिया तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी विद्यापीठ तक ही हम लोग ना रुकें, स्टूडेंट लाइफ या जितने यूथ हैं उन लोग, वो लोग भी हमारी भोजपुरी फिल्म देखते हैं, तो उन लोग के लिए ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कुछ नया और कुछ अलग नहीं सोचेंगे, फिर वहीं हम लोग के लोग बोलेंगे कि क्या भोजपुरी में वहीं बनता है। तो सब लोग नया बनाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग कुछ डिफरेंट बनाने वाले हैं। योगेश जी, और इस फिल्म में टेक्नीशियन और स्टार कास्ट कौन सा नाम बताएंगे? इसमें टेक्नीशियन में अगर हम बात करें तो DOP हमारे साउथ के हैं, रविंद्र नाथ गुरु नाम है उनका, अवार्ड विनिंग DOP, हमारे साथ ही पढ़ाई करी उन्होंने DOP की पढ़ाई करी, मैंने डायरेक्शन की पढ़ाई करी, तो DOP की जो टीम है वो हमारी साउथ की है। और हमारी फिल्म में मनोज भैया हैं, मनोज टाइगर भैया हैं, विनीत विशाल जो विलेन में आजकल आप लोगों को मतलब काफ़ी प्यार मिल रहा है उनको, विनीत विशाल हैं, और समर चतुर्वेदी भैया हैं, कृष्णा हैं जो कानपुर के रहने वाले हैं, और मैक्सिमम जो बड़ी कास्ट में और भी लोग हैं वो उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और हीरो ये हैं, भोजपुरी का हीरोइन ये है, गीत संगीत बहुत ध्यान देता है, उसको हम छोड़ तो उसको छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, बस एक्टर वाली उससे मैं जस्ट वहीं पे आ रहा था। कल्लू जी सुना है ना पिक्चर में? हाँ, कल्लू जी, तो कल्लू जी तक पहुँचे तब तक आपने टोक दिया। और गीत संगीत का मेरा बात, सर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं शायद, लखनऊ से, लेकिन गीत संगीत में जितना भोजपुरी में आपने जो समय दिया है, 2 साल या 3 साल या 4 साल कहाँ दिया है बता दीजिएगा। बहुत अच्छी भोजपुरी की पकड़ है इनकी, ये खास करके गीत संगीत में, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोलते कि हम लोग कहाँ से, हम लोग एल्बम इंडस्ट्री से हैं, तो फिल्म में काम करते, फिल्म में गाना भी गाते हैं, जितने भी फिल्म में गाने हैं
पब्लिक को पसंद आने ही बिल्कुल आएंगे, तो बहुत अच्छा इनका पकड़ है संगीत में। और जरूरी है भोजपुरी, हमारी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं आजाद भाई, आजाद सिंह, उनके गाने आपने सुना होगा, लिरिक्स भी उन्हीं की है, और जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो उन्हीं के छोटे भाई हैं विशाल शिशिर जी, सब लोग मिलकर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी म्यूजिक बनी है और लिरिक्स आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और हमारी फिल्म की कोशिश ये रहती है कि ऐसे आंख बंद किया और गाना चालू वैसा कुछ ना हो, तो कॉन्सेप्ट जो हमारी फिल्म का है उसी से रिलेटेड गाने हैं, तो और वो गाने अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं और वो सच में गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छे लगेंगे तभी वो अच्छे हैं, हमारे कहने से क्या होगा। हाँ, ये उम्मीद है कि जब गाना आप तक पहुंचेंगे तो अच्छे ही गाने लगेंगे। कोरियोग्राफर हमारे लक्की विश्वकर्मा, जिन्होंने हमारी एल्बम बनाई थी बचपन से पचपन तक का, तो उनका अभी तक साथ हमारा बना हुआ है। लक्की विश्वकर्मा जी इसमें जो हैं वो कोरियोग्राफ कर रहे हैं, और फाइट मास्टर हैं दिनेश, और प्रोडक्शन देख रहे हैं शहनवाज हुसैन जी, और रुक जाइए बता रहे तो भाई सबका बता देना है, और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं कविता सुनीता जी, और आर्ट देख रहे हैं सिकंदर, कुछ गेस्ट अपीयरेंस भी है वही बता दें, गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं। अरे हम नहीं यार, हम नहीं, अभी नहीं, वो सस्पेंस है, वो सस्पेंस है, कुछ है सस्पेंस, हम वो बताएंगे सेट पे। हाँ, गोविंदा सर से आप कुछ पूछिए। सर, इससे पहले भी कोई फिल्म का निर्माण किया था, कि पहली फिल्म आपकी? जी, हमने भोजपुरी फिल्म बाबजी बनाई थी, एक पारिवारिक फिल्म थी, और आज के माहौल में देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म जो है वो लोगों के नाम में बदनाम है कि वल्गर टाइप का डबल मीनिंग फिल्म बनाई जाती है। तो हम जैसे अभी ये विद्यापीठ एक जो फिल्म ऐसी बनने जा रही है कि लोगों को पसंद आए, फैमिली के साथ देख, वो तो देखना ही देखना है, लेकिन एक अलग हट के एक फिल्म बनाई जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में तो और अच्छा लगेगा, पब्लिक को पसंद आएगी, और कुछ अलग हट के करना ही चाहिए आज के टाइम में मेरे हिसाब से। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारी इस फिल्म के ज़रिए एक बहुत नए तरीके के विलेन इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, उनका नाम है मिस्टर जय शंकर पांडे, हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं, हमारे मतलब सुपर सीनियर, जब हम एक्टिंग सीखते थे तो सुपर सीनियर हमारे थे, और जो उनका कैरेक्टर है वो आप सब लोगों को 100% पसंद आने वाला है, और भोजपुरी के विलेन में एक नया शेड जुड़ने वाला है इस फिल्म के द्वारा, तो ये मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा। कल्लू जी, गीत संगीत बहुत बड़ा मायने रखता है भोजपुरी इंडस्ट्री की जो फिल्में बनती है, आप इस पर कितना ध्यान देते हैं सिनेमा की जाती शूटिंग पे? जिस हिसाब से आप तैयारी देख रहे हैं उस हिसाब से गीत संगीत पे भी बहुत, वो तो आजाद सिंह से ही आप कभी मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा कि योगेश सर ने कितना गाना सेलेक्ट किया और कितना रिजेक्ट किया। और एक चीज़ और बताऊंगा, इस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है उसके बारे में लोगों को नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही अच्छे हम मतलब वो गाना सुना मैंने तो मैंने बोल दिया कि नहीं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, और हर प्रकार के इसमें गीत संगीत हैं, अगर आप रोमांटिक खोजेगा तो रोमांटिक एक से बढ़ के हैं, कमर्शियल भी आप ढूंढेंगे, तो सिचुएशन वाइज जो जो सिनेमा की डिमांड है उस हिसाब से सर ने सेलेक्ट किया है, और मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, बीच बीच में आजाद भैया से बातचीत होती रहती थी क्या गाने बन रहे क्या नहीं बन रहे, लेकिन फाइनली बहुत, मैं ये बात बताना चाहूँगा, बहुत सालों बाद लॉकडाउन के पहले तक हम लोग गाना रिकॉर्ड करके सेट पर जाते थे, लॉकडाउन के बाद ये पहली फिल्म होगी जिसके गाने रिकॉर्ड करके और फुल मतलब हम लोग पूरी कंप्लीट ऑडियो लेके हम लोग शूटिंग करने जा रहे हैं, तो ये क्रेडिट आपको जाता है कि आप बहुत मेहनत किए हैं और फिल्म ऐसे ही बननी चाहिए। हम सारे एक्टर बहुत ध्यान देंगे, अगर आप लोग जितना टाइम मांगेंगे हम लोग उतने टाइम देंगे, लेकिन सामने वाला भी चाहिए कि नहीं वो किस हिसाब से तैयारी करे और किस हिसाब से फिल्म बना रहा है। आयुषी जी, आप भोजपुरी पिक्चर क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, मैंने स्टार्टिंग भोजपुरी से ही करी थी, तब करी थी जब मैं बहुत छोटी थी, और फिर मुझे लगा था कि नहीं मुझे भी भोजपुरी करनी है, एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस लेना ही था भोजपुरी में काम करके, तो इसलिए मुझे करना, और मुझे अच्छी भी लगती है, बहुत मिठास है। आपका नाम है आयुषी दत्त तिवारी? आयुषी दत्त तिवारी। तो संजय दत्त की संबंध है? नहीं, ऐसा संजय दत्त का नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा कि बॉलीवुड में क्यों नहीं आ पाए। आप भगवान करिए जल्दी बॉलीवुड में भी जाऊं, बस यही आशीर्वाद आप दीजिए। बट हमारे जो बाबा हैं वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी हैं, तो उनसे हमारा नाम आयुषी। बाबा एक और हैं साथ में खड़े हैं, आशु बाबा बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हम उनसे ज्यादा तारीफ नहीं, फिल्म में हमारी हीरोइन है। क्या होता है कितना भी अच्छा हो चाहे सगा ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है यार, हमारी हीरोइन तारीफ नहीं करना चाहिए, पैसा कुछ नहीं, वैसा आप सुनिए पे लोग कहना क्या चाहते हैं, मतलब वो भी चाहते हैं कि तारीफ हो, तारीफ वाली बोलिए, आप जो कहना चाहते हो वो बोलिए छोटी सी। मैं
जब मैं बचपन का बचपन सॉन्ग गई थी, मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हुई हूँ, तो वो मुझे आशु बाबा ने ही करा था। कल्लू जी के साथ मुझे मतलब थोड़ा सा डर लगता है, अभी भी मुझे डर लगता है, मुझे उन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। बहुत दिल के बहुत साफ मतलब ये इंटरव्यू हमारी भाभी जी देख रही है ना आप, फिल्म में ये नहीं कर रही कल्लू जी साहब में। नहीं नहीं बिल्कुल कर रही हूँ, हीरो में चेंज करता हूँ ना। नहीं नहीं अरे इधर कैमरा घुमाइए, वो भोजपुरी फिल्म की नहीं थी हाँ। और उनको हिचक थी कल्लू जी से भाई, वो आपके साथ फिल्म करना चाहती हैं, रेडी है। सर सॉरी हम ये फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है, हम पीछे कैमरे के पीछे ठीक है, तो वो कंफर्टेबल इसलिए बोल रही हूँ, उनको भोजपुरी अभी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती थी, वो जानने के लिए। और कल्लू जी के साथ पहली बार काम कर रही थी भाई, मान लीजिए कि इतना तारीफ देख रहे पसीना आने लगे बच्चे, तो हॉट है ना। एक वो होता है ना कि स्टारडम बना हुआ था सुपरस्टार, तो एकदम डर आ गया था कि मतलब, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम लोग बहुत नॉर्मल हैं। चलो अच्छा ठीक है, लेकिन जब तुमने काम किया था तो कहीं ऐसा कुछ लगा था? नहीं नहीं बहुत कंफर्टेबल कल्लू जी भी, और अब मैं मतलब बहुत ज्यादा उनके साथ फूल रही थी, मतलब मोहब्बत हो सकती है फिल्म में। हां क्यों नहीं, बिल्कुल दिखेगी आपको मोहब्बत, केमिस्ट्री आपको डेफिनेटली जब इतनी दिखेगी। सर कुछ कहेंगे बीच में? चश्मे के पीछे पड़ रही है, टेस्टेड चश्मा है, कोरोना के बाद थोड़ा आँख वीक हो गई तो इसको लगाना पड़ता है। हाँ वही बताने जा रहे थे, इसीलिए बार बार कैमरा घुमाया जा रहा है कि मेरा नाम कब। तो हमारी इस सबसे पहले तो थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि उधर कैमरा ना करो इधर ही करो, हमारी फिल्म दबंग सरकार को जिस हाइप पे पहुंचाया था उसका नाम है संजय भूषण पटियाला, और उनके लिए दबंग सरकार हमने बनाई जरूर थी, लेकिन उसको उस लेवल तक जो प्रमोशनल एक्टिविटी थी उसमें सिर्फ एक इंसान का हाथ था जिसका नाम है संजय भूषण पटियाला। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, दूसरी फिल्म हमारी विद्यापीठ, विद्यापीठ का सिर्फ पोस्टर ही मार्केट में गया है जो वायरल है, उसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ है हमारे भाई संजय भूषण पटियाला है। और संजय भूषण पटियाला हमारे इस फिल्म के पीआरओ हैं मेन, और पीआरओ तो बाद में हमारे छोटे भाई मतलब पहले हैं, और मुझे इनकी किसी भी चीज़ पे किसी भी तरीके का कोई भी कैलिवर होता है उस पर कभी डाउट नहीं होता है, क्योंकि ये अगर चाह जाएं तो पत्थर को भी हीरा बना सकते हैं। थैंक यू संजय भूषण पटियाला जी, लेकिन मैं चाहूँगा जितने भी संजय भूषण पटियाला जी के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, सर ने बोला कि पहला पोस्टर ही वायरल था, तो ये सब आप लोग का भी देन है, तो धीरे धीरे इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए, तो जैसे जैसे हम लोग करीब आते जाएंगे, आज हम लोग की फिल्म शूट पे जाने वाले हैं, तो सभी लोगों ने बताया फिल्म के करीब आएंगे, फिल्म के करीब पूरा बात नहीं सुनते हैं, फिल्म के करीब, और फिल्म के जब करीब आएंगे तो ऑब्वियसली हीरोइन के भी करीब आएंगे, तो जैसे जैसे हम लोग जैसे अभी फिल्म शूट पे जा रही है तो आप सबको जानकारी मिली। वैसे मैं चाहूँगा योगेश सर को कि जैसे जैसे वहाँ पे भी जो भी होगा हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ही, मैं ये नहीं बोलूँ कि सबका लुक या सबका सब स्टोरी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या न्यूज़ में डाल दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपडेट आप सबको जरूर मिलते रहेगी। तो विद्यापीठ को अपना ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों के हाथ में अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग फिल्म अच्छे से शूट करें, और जब अच्छी फिल्म बनेगी तो आप लोग प्यार जरूर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर